इसको लच्छे पराठे के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। ओह ये पड़क 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 पड़ा है, पकड़ो। कितना बढ़िया कलर है, ग्रीन कलर, लुक एट दिस। तब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। भाई ऐसा क्या बना लिया है? देख देख क्या खुशबू आ रही है यार, देख रहा है? ये क्या? पालक पनीर, देसी स्टाइल का पालक पनीर अभी बनने वाला है, तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कैसे एक्टिंग करने वाला हूँ मैं। तो भाई एक्टिंग नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया बनेगा। ऐसा पालक पनीर बना रहा हूँ मैं जो एक एक बच्चा भी बना सकता है। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। एक टमाटर, एक प्याज। सबसे पहले क्या करना है वो देखो, प्याज का ऊपर का कवर निकालना है। तो ये कट मारा मैंने, इसको मैं उतार लेता हूँ ऊपर का एक। ठीक है जी, ये एक प्याज हो गया और टमाटर का ऊपर का ये निकाल लेता हूँ, टॉप थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। ये लो जी, हो गया। अब क्या करना है, दो हिस्से, दो हिस्से, डन। ये पकड़ा, ये क्या हो रहा भाई? पालक पनीर बन रहा भाजी, कैसे बनेगा वो देखते रहो। पालक, एक गड्डी पालक लिया, उसको धो लिया अच्छे से 3-4 बार ताकि मिट्टी निकल जाए, और कट कर लिया। अब ये डल गई इसके अंदर सारी की सारी पालक। फुल, सॉरी, एक गड्डी पूरी मतलब होगी 700-800 ग्राम होगी, वो डिपेंड करता है, आधा किलो की भी आती है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मनमीता है तो इसलिए मैंने सोचा भी 1 किलो बनाना ही पड़ेगा। तो ये जी डाल दिया, डाल हो गया। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, अब डलेगा जी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसको बॉईल करना है। तो ये बस, अब डलेगा जी थोड़ा सा नमक, हल्दी, ये दो चीज़ें बस। एक चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। जय हो, मिक्स भी नहीं किया, ले लो। अब ये कुकर करो बंद, तो खुल क्यों गया यार? ये ले, कुकर किया बंद, इसको पकड़ो, हो गया। गैस चलाओ मीडियम तेज, जैसा आपकी इच्छा है, जितनी गैस आपके घर पे, मेरे घर पर तो सिलेंडर है, कम ही है। तो ये लगाया, अब इसको 3-4 विसल होने दो अच्छे से, 3-4 विसल, उसके बाद मिलते हैं। गैस कर दी बंद, तो ये सारी गैस निकालने के बाद देखो भाई क्या बात है, कितनी बढ़िया सब्जी बन गई है हमारी, बढ़िया से। अभी बनी नहीं है, अभी बनाएंगे। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तो ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए भाई, नॉनस्टिक पैन लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। ये मैंने ग्राइंड करके पूरा पेस्ट बना लिया अच्छे से। अब प्याज की कर लेते कटिंग, सॉरी पनीर की कर लेते कटिंग। तो ये जिस मर्जी शेप में आप काट सकते हो, ये ऐसे कर लिया। पालक पनीर भाई बहुत टेस्टी लगता है भाई, मतलब कि वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, पालक पनीर तो नहीं रोकेगा। और याद है केसर के ढाबे का, वो हो देसी घी वाला, बहुत बढ़िया। वहाँ का तो फेमस है पालक पनीर और दाल वहाँ की। वाह, वो छोले भी हैं एक्चुअली। पालक पनीर एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता वहाँ पे केसर के ढाबे पे कितना बढ़िया मिलता। तो ये हो गया, इसको एक बार बीच में से, ये दैट्स इट। ये जिंजर गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया अच्छे से। अब जैसे ही ये गर्म हो जाएगा फिर पहले इसमें ये डालेंगे। तो ये देख रहे हो आप कि
अच्छे से धुआं निकल गया। सरसों का तेल उसको साड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पहले डालेंगे ज़ीरा, फिर डालेंगे चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना जब जिंजर गार्लिक, तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपना सारा का सारा पनीर। जी हाँ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ये सब डाल देते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टाइम नहीं लेता। टमाटर प्याज का मसाला कौन बनाएगा? आप ये वाली रेसिपी एक बार ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताना। जिस मर्जी शेप में आप काट लो पनीर को, नो प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा बड़े पीसेस करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। गैस थोड़े से स्लो कर देंगे। तो इसको एक्चुअली क्या वो क्या है कि प्लान इज़ कि पहले पनीर को इसके अंदर डाला जाता है ताकि थोड़ा सा पनीर हल्का सा शैलो फ्राई हो जाए ताकि वो ग्रेवी में टूटे ना। बस तो मैंने गर्म तेल में डाल दिया था इसको इसीलिए ताकि एकदम जल्दी से हो जाए। देख रहे हो हल्का सा हो गया वो। अब डलेगा इसके अंदर जी मसाले सारे के सारे। तो क्या क्या डालेंगे? सॉल्ट 1 चम्मच डाल रहा हूँ क्योंकि पहले भी डाला था। भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची जितनी स्पाइसी आपको चाहिए, मैं 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ लाल मिर्ची, दैट्स इट। 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, इतनी बस, दैट्स इट, क्योंकि हमने उसमें भी डाली थी। और 1 चम्मच चिकन मसाला, नहीं तो किचन किंग, नहीं तो अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं। इसको अच्छे से करो मिक्स। तो ढाबे में ना एक्चुअली लोग ऐसे ही बनाते हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं होता, जल्दी बन के आ जाता ना, तो ढाबे में ऐसे ही जल्दी से बनाया जाता, वो लोग बना के रख लेते हैं ऑलरेडी पहले ही। तो ये हो गया भाई, धनिया डन है। गैस करेंगे थोड़ी सी तेज़ क्योंकि अब बारी है जो हमने पालक को पीस लिया था वो डाल लेंगे। इसको बाकी सबको भी निकाल लेता हूँ, तब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। कलर देख रहा है? अब ये एकदम मिर्ची का भी, मिर्ची भी इसके अच्छे से मिक्स हो गई और सारा का सारा तेल पी लिया, देख रहा है? सब्जी बहुत करारी लग रही है। अरे यार, तो इसको लच्छे पराठे के साथ खाओ, मज़ा आ जाएगा। ना मज़ा आया तो मेरे को बताना। इंस्टेंट है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लगा ही नहीं भाई, टमाटर प्याज का मसाला कौन बनाया यार, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने इसको पालक को उबाल लिया है, ठीक है? तो कई लोग क्या करते हैं, कच्ची पालक डालते हैं पीस के और फिर बैठ जाओ भैया ढक्कन लगा के इसको पकने दो, वो बहुत टाइम लगता है। और उसमें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब ओवर कुकड हो गया। ओवर कुकड हो गया इसका मतलब फिर कड़वापन आ जाएगा। पानी की एक बूंद डालेंगे। अब इस टाइम पे दिस इज़ ऑप्शनल, तो मैं घर की मलाई जो कि दूध के ऊपर जम जाती है वो वाली एक बड़ा चम्मच डाल रहा हूँ। फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बता रहा हूँ। फ्रेश क्रीम यूज़ करो बढ़िया से, नो प्रॉब्लम। दूध डाल लो, नो प्रॉब्लम, हल्का सा दूध भी डाल सकते हो आप अगर क्रीम मलाई कुछ नहीं डालना चाहते तो, और अवॉइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देख ले कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। ऑयल देख रहा है? सब पी गया। अब इसको लगाएंगे हम ढक्कन धीमी आंच पे कम से कम 7 मिनट के लिए, बस अब आएंगे और बढ़िया से टेस्ट करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब एक बार हम इसको अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि हमारे को देखना भी है ना कि पालक चिपके ना, बस वैसे तो नॉनस्टिक है नहीं चिपकेगा। तो इसको फिर एक बार और मिक्स कर लो। कितना बढ़िया कलर है, ग्रीन कलर, लुक एट दिस, देख रहा है मन्नी? ये देख, ओहो, ये पड़क 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 पड़ा। अब 5 मिनट के लिए फाइनल, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो टेस्ट करके। तो ये देखो जनाब, पालक पनीर इज डन। गैस कर देंगे बंद। ये देख रहा भाई, अरे क्या बात है, मज़ेदार खुशबूदार पालक पनीर। थोड़ा सा सब करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस, बढ़िया सा सिंपली ढाबा स्टाइल पालक पनीर इज रेडी टू सर्व।
लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा गर्म है। सही लग रहा है देखने में? देखने में तो सही लग रहा है। कैसा है? बहुत गर्म है। तू टेस्ट करके बता, मैं तो बोलूंगा अच्छा, तू टेस्ट करके बता। अच्छे से देख लो यार कितना करारा पनीर यार, बहुत क्रिस्पी लग रहा है मुझे तो, क्योंकि वो फ्राई करिए था ना, हल्का सा शैलो फ्राई तो टूटेगा नहीं, वरना कई लोगों का भरता बन जाता पनीर का। पनीर भुर्जी बन चुकी थी, पालक पनीर भुर्जी। तो अब मैं भी जरा ट्राई कर लेता हूँ यार, गरम बहुत लग रहा है। वेरी यम्मी, अमेजिंग। देख तेल भी ज़्यादा नहीं है, है ना? सरसों का तेल डाला है, एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ आल्सो। प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, बट ऑयली नहीं लग रहा, बहुत हैवी नहीं लग रहा, तो बहुत लाइट है। आप घर पे इजीली बना सकते हो। अब इसके साथ आप राइस के साथ खा लो, लच्छा पराठा, रोटी, जो आपको मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से लगे आप खा सकते हो। बाकी हम तो इसको ख़त्म करने वाले हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम चलते हैं इसको खाने के लिए। आप जल्दी से जाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और जल्दी से जल्दी ये रेसिपी को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज़।